हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 31 के अंदर सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस के अंदर हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे। चैप्टर 9 के अंदर हमारा मेन टॉपिक रेंज और प्रिसीजन से रिलेटेड है। जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर इंटीजर डेटा टाइप से रिलेटेड हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये डेटा टाइप किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है और उसकी आगे उसकी कैटेगरीज भी बताई। इंट, शॉर्ट, अनसाइंड लॉन्ग, ये सारी चीजें हमने पिछले लेक्चर में कवर कर ली थी। अब डेटा टाइप की अगर बात करें तो इंटीजर के बाद आपकी फ्लोट डेटा टाइप आती है, जो कि मेन पॉइंट्स की वैल्यूज को स्टोर करने के लिए, फ्रैक्शनल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए आप फ्लोट पॉइंट डेटा टाइप इस्तेमाल करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। बेसिक आप अगर देखिए तो स्टैंडर्ड आपको बताया था मैंने कि तीन आपकी डेटा टाइप्स इस बुक में इस्तेमाल हो रही हैं, इंट, फ्लोट और कैरेक्टर। डबल बी है वो आपकी फ्लोट की कैटेगरी में आ जाती है, लेकिन मेन आपकी तीन ये इंट इंटीजर के लिए, कैरेक्टर के लिए और फ्लोट पॉइंट्स की वैल्यूज के लिए। तो आज हम सबसे पहले फ्लोट फ्लोटिंग पॉइंट जो डेटा टाइप है उससे रिलेटेड पढ़ेंगे, लेकिन उससे पढ़ने से पहले हमें रेंज और प्रिसीजन के बारे में पता होना चाहिए। रेंज और प्रिसीजन आपने मैथमेटिक्स के अंदर भी पढ़ा होगा, मैथ्स के अंदर भी, कि प्रिसीजन क्या होती है कि पॉइंट्स के बाद राइट साइड पे जितनी वैल्यूज होंगी उसे हम प्रिसीजन कहते हैं। कोई भी पॉइंट है उससे राइट साइड पे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ या आपको चलिए मैं लिख के बता देता हूँ। ये आप मैंने देखिए 1 पॉइंट, पॉइंट के बाद मैंने कहा 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अगर पॉइंट के बाद राइट साइड पर जितनी वैल्यूज होंगी इन्हें हम प्रिसीजन कहते हैं, लेकिन अगर कोई वैल्यू 10 की पावर में आ जाती है 3 या 10 की पावर में 4 या 10 की पावर में 5, जो हम कह सकते हैं कि 10 की एक्सपोनेंशियल पावर क्या आ जाए तो उसे हम रेंज कहते हैं। तो ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को पढ़ने से पहले, डेटा टाइप को पढ़ने से पहले हमें रेंज और प्रिसीजन का पता होना चाहिए। अब ये याद रखना है कि फ्लोटिंग पॉइंट से रिलेटेड ही रेंज और प्रिसीजन की वैल्यूज होगी, इंटीजर में नहीं होती। वहां पे तो आपकी पॉइंट वैल्यूज ही नहीं होती, वो नंबर्स होते हैं ना इंटीजर के अंदर। तो यहाँ पे सिर्फ फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर प्रिसीजन और रेंज वाला ये सिस्टम है, और कैरेक्टर में तो होते ही नहीं है। आपको बताया था कैरेक्टर सिंगल कॉमा में होता है, और डेटा टाइप मैंने बताई थी कि कैरेक्टर दो मकसद के लिए होते हैं, आप सिंगल कैरेक्टर के लिए भी, स्ट्रिंग के लिए भी आप कैरेक्टर डेटा टाइप इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दी है कि प्रिसीजन के अंदर 0.12345 ये वैल्यू पूरी थी, और आगे इंटू 10^3 इसके अंदर ये जो पॉइंट के बाद वैल्यूज है 1, 2, 3, 4, 5 ये इसकी प्रिसीजन, ये इसकी 5 प्रिसीजन होगी। लेकिन अगर इसकी बात करें 10^3, ये 3 इसकी रेंज होगी, ये 3 रेंज है, ये इसकी प्रिसीजन वैल्यूज पॉइंट के बाद राइट साइड पे जितनी वैल्यूज होगी वो प्रिसीजन होती हैं, और पावर में अगर होता है हम रेंज कहते हैं। एक और एग्जांपल उसने यहाँ पे बुक में भी आपके दी है 1.572×10^-5, यहाँ पे इसकी जो प्रिसीजन होगी वो 3 वैल्यूज की है, पॉइंट के बाद राइट साइड पे 3 वैल्यूज है, और इसकी रेंज -5, 10 की पावर जो होगी वो उसकी रेंज होगी। उम्मीद करता हूँ ये आपको चीज समझ आ गई होगी ये टॉपिक, क्योंकि ये आप मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, कंप्यूटर से रिलेटेड इतना नहीं। आज का हमारा मेन फोकस, जो मेन टॉपिक है हमारा, वो फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप है। ये मैंने आपको बताया था कि इंटीजर और फ्लोटिंग लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है कि आप जितने भी प्रोग्रामिंग करेंगे आगे सी लैंग्वेज के अंदर, उसमें इन दो डेटा टाइप्स का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, इंटीजर का और फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप का। तो फ्लोटिंग पॉइंट डेटा होते कौन से, नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स जो पॉइंट्स की वैल्यू, जो फ्रैक्शनल वैल्यूज इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कह देता हूँ 10.5, 5.2, -10.6, इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकती हैं, पॉजिटिव वैल्यूज भी हो सकती हैं, लेकिन पॉइंट्स वाली वैल्यूज जो होती है उनके लिए आप फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप को नंबर देते हैं। अब फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप जो है इनको तीन हिस्सों में डिवाइड किया, इसकी तीन कैटेगरीज हैं, हर एक का इस्तेमाल यूजर की रिक्वायरमेंट्स पर है। ये फ्लोट है,
डबल है और लॉन्ग डबल है, तीन इसकी कैटेगरीज हैं, किसकी? फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप, इसकी तीन कैटेगरीज है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फ्लोट। फ्लोट भी आपको सिंपल बता दिया कि पॉइंट की वैल्यूज को सारे भी है, डबल भी है, लॉन्ग डबल सब जो है, ये पॉइंट वाली वैल्यूज को आप वेरिएबल में स्टोर कराने के लिए या यूज करने के लिए डेटा टाइप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब बात यह आती है कि जब सारों में पॉइंट्स वाली है तो फिर ये हम एक ही क्यों नहीं इस्तेमाल करते, तीनों क्यों करते हैं? तीनों इसलिए करते हैं, हर एक के अंदर रेंज और प्रिसीजन की वैल्यूज डिफरेंट है, एक कंडीशन रखी हुई है कि फ्लोट अगर डेटा टाइप इस्तेमाल करेंगे तो इसकी रेंज 3.4 × 10⁻³⁸ से लेके 3.4 × 10⁻³⁷, मतलब इनके दरमियान जितने नंबर्स आप पॉइंट वैल्यूज इस्तेमाल करेंगे उसके लिए आप फ्लोट डेटा टाइप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इतना कोई डिटेल में तो कोई कैलकुलेट करता नहीं है, अंदाजा नहीं, हमें पता लग जाता है कि इतनी लेंथी वैल्यूज नहीं हो सकती, तो हम ज्यादातर फ्लोट ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम हायर स्टडीज की बात करें जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डिजाइन एल्गोरिथम जो है उसके एल्गोरिथम्स को डिजाइन करने के लिए जो कोडिंग होती है उसमें लॉन्ग डबल और डबल में भी जरूर, साइंटिफिक कैलकुलेटर बनाना है उसमें आपको डबल और लॉन्ग डबल की वहां पर प्रोग्रामिंग में जरूरत पड़ सकती है वेरिएबल को, लेकिन आपकी बुक में ज्यादातर फ्लोट की डेटा टाइप इस्तेमाल की गई है। तो ये इसकी रेंज है, ये रेंज और इसकी प्रिसीजन ये आपने याद रखनी है, रेंज प्रिसीजन और मेन मेमोरी में कितना साइज लेता है ये डेटा टाइप, क्योंकि जब हमने पढ़ा था वेरिएबल्स का तो उसमें मैंने आपको बताया था वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इन रैम, जब भी आप प्रोग्राम चलाते हैं तो रैम में उसे लोड होना पड़ता है, तो जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो दरअसल जब आप डिक्लेरेशन के साथ डेटा टाइप बताते हैं उसका मकसद यही होता है ये वेरिएबल मेन मेमोरी में कितनी जगह इस्तेमाल करेगा। तो फ्लोट डेटा टाइप जो है ये इसकी प्रिसीजन के मतलब पॉइंट के बाद ये 6 digits तक की वैल्यूज को वेरिएबल में स्टोर ये डेटा टाइप करा सकते, किसी भी मैं मिसाल के तौर पे लिखता हूं फ्लोट एन, मैंने एक वेरिएबल बनाया एन, उसकी डेटा टाइप फ्लोट है, अगर एन के अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करानी है तो मैं 1.5678912 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब ये स्टोर कर, लेकिन अगर मैं 7 यहां लिख देता हूं तो ये इस वेरिएबल में स्टोर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसकी बाय स्टैंडर्ड जो स्टैंडर्ड रूल बताया गया कि फ्लोट का ये सिर्फ 6 digits तक ये सेट कर सकती है, तो ये इसमें स्टोर नहीं होगी, तो फिर किसमें स्टोर होगी? इसके लिए हम नेक्स्ट डेटा टाइप में चले जाएंगे। लेकिन पहले बता दूं जिस तरह इंटीरियर का मैंने बताया था कि 2 bytes जब आप डिक्लेयर करते हैं, जिस तरह मैंने डिक्लेयर किया तो n मेन मेमोरी में 4 bytes की जगह लेगा, ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल में वायवा में भी पूछे जाएंगे। अब आ जाती डबल, जिस तरह की मैंने कहा कि जब इसकी रेंज से प्रिसीजन की वैल्यू से आगे बढ़ जाएगी तो फिर हम कौन सी डेटा इस्तेमाल करेंगे? डबल, ये याद रखना है, फ्लोट डबल लॉन्ग डबल लॉन्ग डबल ये सारे जो है ये लोअर केस में लिख रहे, कैपिटल में नहीं लिख रहे, अपर केस में नहीं लिख रहे, सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, अपर और लोअर केस में डिफरेंशिएट करती है, कीवर्ड्स इतने भी है, ये सारे कीवर्ड्स है ये लोअर केस में। डबल डेटा टाइप जो है इसकी रेंज है 1.7 × 10⁻³⁸ से इतनी रेंज तक, ये इसकी रेंज बता रहे, पूरी ये रेंज है कि इसके दरमियान तक जितनी वैल्यूज होंगी यहां से लेके यहां तक उसके लिए हम इस डेटा टाइप को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब ये तो आपको याद नहीं रहेगी, इसका आसान तरीका याद रखने का आपको प्रिसीजन पता होनी चाहिए, अगर वो पॉइंट से ज्यादा है, ठीक है, मतलब पॉइंट 6 से ज्यादा आ जाती है, मतलब 7, 8, 9, 10 इस तरह अप टू 15 डेसिमल प्लेसेस, तो आप फिर क्या करेंगे? आप डबल डेटा टाइप इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह लॉन्ग डबल की बात करेंगे, इससे प्रिसीजन की वैल्यू बढ़ जाती है तो फिर आप लॉन्ग डबल की बात करते हैं। इसके अंदर इसकी रेंज है 1.7 × 10⁻⁴⁹ से पॉजिटिव 4932, ये रेंजेस आपने याद कर ली है और मेन चीज प्रिसीजन पता नहीं है, इसमें 6 डेसिमल, इसमें 15, इसमें आपकी 19 डेसिमल, अगर 15 से भी इतना कोई लार्ज नंबर है तो आप उसको स्टोर करने के लिए लॉन्ग डबल डेटा टाइप उस वेरिएबल के साथ इस्तेमाल करेंगे, ये उसकी प्रिसीजन हो जाएगी 19 डेसिमल पॉइंट, मतलब अगर 15 से ज्यादा है तो 19 डेसिमल प्लेसेस। तो आज के लेक्चर में जितना हमने पढ़ा मैं उसको एक बार रिवाइज कर देता हूं,
कि आज हमने सबसे पहले फ्लोटिंग रेट टाइप से पहले हमें रेंज और प्रिसीजन के बारे में पढ़ा। रेंज मैंने आपको अभी बता दी है कि जिसमें 10 की पावर में जो एक्सपोनेंशियल हो वैल्यूज हो उसको हम रेंज कहते हैं, और प्रिसीजन कोई भी नंबर जो पॉइंट्स की वैल्यूज के अंदर है उसको पॉइंट के पास राइट साइड में जितनी वैल्यूज होंगी वो उसकी प्रिसीजन कहलाई जाएगी। अगर 3 है तो 3 उसकी प्रिसीजन है, 5 है तो 5 है, 16 इस तरह जितनी वैल्यूज होंगी। रेंज और प्रिसीजन इसलिए टॉपिक है अहमदाद क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप से रिलेटेड है। फ्लोटिंग पॉइंट को समझना डिटेल में आपको रेंज और प्रिसीजन आपको पता होगी तो आपको समझ जाएंगे। ये इंटीजर से रिलेटेड नहीं है, इंटीजर डेटा टाइप से रिलेटेड है। फिर हमने पढ़ा जी फ्लोटिंग पॉइंट डेटा नंबर कौन से होते हैं जो पॉइंट वैल्यूज में फ्रैक्शनल होती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव भी हो सकती है। फिर हमने उसकी कैटेगरीज पढ़ी फ्लोट की, डबल और लॉन्ग डबल, इन तीनों में डिफरेंस पढ़ा। रेंज आपको मैंने फिर बता रहा हूँ, रेंज और प्रिसीजन ये याद रखने हैं, ठीक है जी, ये वैल्यू याद रखनी क्योंकि अगर आपको ये चीज याद नहीं होगी तो आपको नहीं पता चलेगा कितनी वैल्यूज आप स्टोर कर सकते हैं और किस कौन से वैल्यूएबल को डेटा टाइप आपने देनी है। तो राम डबल नर्दी वैल्यूज के लिए, लार्ज वैल्यूज के लिए डबल, अगर 6 डेसिमल प्लेस वैल्यू पड़ी है तो फिर डबल इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर्स आपको समझ आ गए होंगे, इसको प्रैक्टिस लिख के करें, आप प्रिसीजन रेंज की वैल्यूज को ये लिख के करेंगे तो आपको इंशाल्लाह इत्तला हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।